ओके तो मैं सारा अपना मेरी लिस्ट में डाल के लेके आई हूँ। हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल हैं आपकी? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अगर नहीं है तेरा मुंडा पर्दा नहीं है ला के तेरे कड़ी वॉशरूम की बैठा रहे यार। और टाइमर चल रहा है, टाइमर मैंने ब्रेक देती है 10 सेकंड। So we can talk. I could tell by the smile when you asked where to write your name on my wall. अपनी जीभ खाओ, लंबे लंबे सालों। हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल है आपकी? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं हैं तो आज की वीडियो देख के डेफिनेटली अच्छे होने वाले हैं। आज मैं वीडियो शूट करने वाली नहीं थी, पिछले काफ़ी समय से मैं वीडियो अच्छी तरह शूट नहीं कर पाई हूँ। उसके पीछे रीज़न क्या है मुझे भी पता नहीं है, उसको छोड़ते हैं। मैंने बहुत बार व्लॉग बनाने की कोशिश की है जो कि कितने ना कितने आके मेरे डिनर पर ही मुक गया है व्लॉग। मेरे पास काफ़ी सारे डिनर्स हैं आपके साथ शेयर करने के लिए। मैंने पास्ट में भी ऐसी वीडियोस शेयर की हैं जो आपको अच्छी लगी हैं। आज की इस वीडियो में भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हमने पिछले कुछ बीते दिन क्या क्या खाया है डिनर में। शायद मैंने आपको पहले भी कई बार बताया होगा कि जो डिनर है वो हमारा मेन मील होता है दिन का, तो हम उस पर काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं। अदरवाइज़ हम अलतू फालतू चीज़ें खा लेते हैं, फ्रूट खा लेंगे या फिर सैलड खा लेंगे सिर्फ। डिनर हमारा स्पेशल मील होता है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और आजकल मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, आजकल मेरी लाइफ काफ़ी ज़्यादा लेज़ी एंड सुस्त चल रही है क्योंकि मौसम यहाँ पे बहुत अजीब है, ठंडा। ठंडे मौसम में मेरी सेहत थोड़ी कॉम्प्रोमाइज्ड ही रहती है, ये वजह है एक। जल्दी से देख के आए कि हमने बीते कुछ 5-10 दिन तक क्या क्या खाया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन। ऑलराइट प्यारे दोस्तों, आज के डिनर के लिए मैं कुक करने वाली हूँ मक्की की रोटी, मेथी वाली। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। वैसे तो हम ये मक्की की मेथी वाली रोटी खाते हैं सुबह ब्रेकफास्ट में, पर समटाइम जब मुझे बहुत लेज़ी फील होता है डिनर बनाने के लिए तो मैं इसे डिनर में भी खा लेती हूँ। आपको पता ही होगा कि हम डिनर बहुत ज़्यादा जल्दी कर लेते हैं, तो इट्स ओके। इसके लिए मैंने बहुत सारी ग्रीन मेथी के पत्ते, एक्चुअली मेथी नहीं है ये मेथे हैं, उसके पत्तों को मैंने बारीक काट लिया है। उसमें हम सारी इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लेंगे। इसमें मुझे हरी मिर्ची भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। उसके बाद इसमें मैं मक्की का आटा मिक्स करूँगी। इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ सॉल्ट, पेपर, थोड़ा सा जीरा पाउडर एंड धनिया पाउडर एंड रेड मिर्ची। और उसके बाद हम इसे मिक्स करके आटा गूंथ लेंगे। और इस आटे को मैं गर्म पानी में गूंथती हूँ ताकि रोटी बनानी आसान हो जाए। और रोटी बनाने के लिए मैं ग्लैड रैप को यूज़ करती हूँ, इससे आसान हो जाता है। एंड इसे कुक अच्छी तरह सेक लेंगे हम तवे पे। और इसके साथ मुझे वाइट मक्खन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये रोटी मैं बनाती तब हूँ जब फ्रेश मक्खन फ्रिज में अवेलेबल हो। ये बहुत ही आसान सा डिनर है। इसके साथ आप दही के साथ खा सकते हैं या कोई भी सब्जी के साथ या अचार के साथ। ये वैसे मक्खन के साथ ऐसे ही बहुत अच्छी लगती है।
What's your plan if you have no school? What you gonna do today? You gonna do cleaning all day? तो आज हिम्मत जी की फरमाइश आई पिज्ज़ा खाने की. सो मैंने सोचा कि आज हम पिज्ज़ा घर में बनाते हैं, क्योंकि घर में पिज्ज़ा जब हम बनाते हैं तो आप ज़्यादा बरकत होती है घर के खाने की, और मुझे लगता है कि ज़्यादा डिलिशियस भी बनता है. और अपनी मर्ज़ी की इंग्रेडिएंट्स आप ऐड करें. और आज मैंने पिज़्ज़ा बना रही हूँ. ये जो पिज़्ज़ा सॉस है ये भी मैंने स्क्रैच से ही बनाई है. अब ये जो पिज़्ज़ा प्रिपेयर किया जा रहा है ये मेरा एंड मेरे हस्बैंड का है. मैं बहुत ज़्यादा खाने वाली नहीं थी, एक ही स्लाइस खाऊंगी. सो आज मैंने सिर्फ दो ही पिज़्ज़ा बनाए थे, पिद्दी मिमी के लिए और ये वाला मेरे एंड हस्बैंड के लिए. आप सबसे पहले मैं इसमें स्प्रिंकल करूँगी चीज़. देन इस पे हम वेजीज डालेंगे जो भी पति की फरमाइश है उनको अच्छी लगती है, हैलोपिनोस एंड इंडियन स्टाइल अच्छा लगता है उनको, ग्रीन चिली एंड अदरक एंड ऑल्सो सिलांट्रो. पर आज वो नहीं था अनफॉर्चुनेटली. पता नहीं हमारे नियरेस्ट स्टोर में हमें सिलांट्रो नहीं मिल रहा है काफ़ी समय से. बहुत परेशान हूँ मैं, क्योंकि धनिया के बिना मेरी ज़िंदगी मुझे बहुत अधूरी लगती है. सो या अब हम इस पर टॉपिंग्स डालेंगे और इसे हम बेक कर लेंगे अराउंड 15 मिनट के लिए. और मैं जब पिज़्ज़ा बेक करती हूँ तो मेरे ओवन की हीट होती है 500 डिग्रीज फ़ारेनहाइट. आई डोंट नो, मैंने कहीं पे पढ़ा था कि 500 पे ये पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनता है और एक्चुअली बहुत अच्छा बनता है. सो यस, प्रिपेयर किया जाएगा. और देखिए कितना खूबसूरत पिज़्ज़ा तैयार है. आप इसको दिल भर के खाएं, किसी मेहमान के लिए बनाएं और या अपने पति परमेश्वर के लिए बनाएं, जो भी आपका मन करता है. बहुत अच्छा पिज़्ज़ा बनता है. मुझे लगता है कि पिज़्ज़ा की रेसिपी शायद मेरे चैनल पे होगी, अगर नहीं होगी तो मैं कुकिंग चैनल पे जल्दी ही अपलोड कर दूँगी. सो पिज़्ज़े के बाद दिन आ जाता है बहुत ही ज़्यादा देसी खाने का. बहुत समय के बाद मैंने साग बनाया है, क्योंकि साग हमें बहुत अच्छा लगता है. मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, हस्बैंड को बहुत अच्छा लगता है. सो आज है साग, चिट्टा मक्खन, मक्की की रोटी, अनियन एंड फोटोग्राफी सेशन हो गया तो मैं स्टार्ट करवा. ओके दोस्तों, तो आज मैंने बनाया है साग, आपने देख लिया है. और मैं गजरेला भी बना रही हूँ पति के लिए. ठीक है, पति बेचारे दिए ना कैलोरीज में बहुत कमी आ रही है दोस्तों. सो पति की कैलोरीज में कमी नहीं. गजरेले का फिनिश प्रोडक्ट शूट करना भूल गई मैं, आई एम वेरी सॉरी दोस्तों. पर गजरेला बहुत अच्छा बना था. गजरेले में मैंने खोआ नहीं डाला, पर हमने सिर्फ ये क्रीमी से फुल क्रीम मिल्क में उसे कुक किया. बहुत अच्छा बना था एंड लाइट भी था. सो हस्बैंड गए हैं अंदर पैसे पे करने के लिए गैस स्टेशन पे. ये गैस स्टेशन इतना पुराना 1947 जैसा लग रहा है. हम लोग फूड पिक करने आए हैं ऑलिव प्रेस से एंड दे आर हियर, यू गाइस कैन सी हिम ऑल प्रिकॉशंस के साथ. एंड तक डैडी वेट करते हैं कि कदों गड्डी का बिल्कुल तेल फिनिश होए तब ही लेंदे पानी. रिस्की चल रहे हैं बहुत ही. मैं हूं खतरों का खिलाड़ी फ्रॉम वेरी बिगनिंग फ्रॉम माय चाइल्डहुड. नहीं डैडी ने पेट्रोल पे किया पैसे इनसाइड जाके. तो व्हाई? बिकॉज़ दिस इज द ओल्ड पेट्रोल पंप. इतने नहीं बार पे होता, इट्स अ ओल्ड. Alright, so food pick हो चुका है, अब हम घर जा रहे हैं. और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है. सो आज आ जाती है बारी कढ़ी चावल खाने की. कढ़ी चावल मेरे हस्बैंड को कढ़ी बहुत अच्छी लगती है, तो वंस इन अ वाइल हम कढ़ी बना ही लेते हैं. मैं कढ़ी की भी फ़ैन नहीं हूँ. आई डोंट नो, ना मैं कढ़ी की फ़ैन हूँ ना मैं साग की हूँ, पर पति के चक्कर में मैं खा लेती हूँ.
और कड़ी के साथ मुझे राइस प्लेन अच्छे लगते हैं। इस पर मैं कोई भी ऑयल जी या कुछ भी ऐड नहीं करती हूँ क्योंकि ये कड़ी के साथ ज़्यादा कम्प्लीमेंट करते हैं। सो आज फरमाइश आई हिम्मत की बिरयानी की। आपने बहुत सारे व्लॉग्स में देखा होगा हमेशा बिरयानी की फरमाइश करता रहता है वो, और बिरयानी की रेसिपी आसान है, मैंने शूट की है, मुझे उम्मीद है कि वो जल्दी ही मेरे कुकिंग चैनल पे आ जाएगी। अभी आई नहीं होगी पर फ्यूचर में आने वाली है, चिंता नहीं करें। सो बिरयानी के साथ हम खाएंगे रायता एंड सैलड, ये भी अच्छा क्विक डिनर है, लाइट बनती है बिरयानी घर में। और मैं बिरयानी के सिर्फ राइस ही खाती हूँ, मैं मुझे बिरयानी वाला चिकन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मैं यार बहुत ही ज़्यादा फजी एंड पिकी किस्म का बंदा हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं खा पाती हूँ, और चिकन भी वन ऑफ दोज थिंग है। ना मैं चिकन करी खा सकती हूँ, ना मैं बिरयानी वाला चिकन खाती हूँ, मैं सिर्फ चिकन ब्रेस्ट लाइक बारबेक्यू पे ब्रेस्ट हुआ चिकन टिक्का खा सकती हूँ, दैट्स इट। बहुत ज़्यादा लिमिटेड है मेरी क्या बोलते हैं चॉइस। सो अब मैं और मेरे खूबसूरत पति परमेश्वर जी मज़ा लेके बिरयानी खाएंगे एंड हम टीवी देखेंगे। मुझे लगता है कि ये आपने किसी व्लॉग में भी देखा होगा, सो या आप यहाँ पे अगेन से देखें अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा है तो। आज हम कुछ चटपटा खाना चाहते थे डिनर के लिए, तो मैंने भिगोई थी दाल, माँ की दाल, उसके मैं पल्ले बनाने वाली हूँ। आज हम सिर्फ नन्ना सा पल्ला चाट खाएंगे, दैट्स इट, यही हमारा डिनर होने वाला है, इसके बिना हम कुछ नहीं खा रहे। सो मैं पल्ले को फ्राई कर रही हूँ ऑयल में, उसके बाद इसकी चाट प्रिपेयर की जाएगी। आप चाट में कुछ भी ऐड करें, मैं दही ऐड करूँगी, वाइट चने करूँगी, थोड़े से आलू, चटनियाँ जो मैंने घर में बनाई हैं, और इसकी रेसिपी भी मैंने शूट की है, सो वो भी आपको कुकिंग चैनल में मिल जाएगी। मैंने ऑलमोस्ट सारी वीडियोस शूट करके रखी हैं, पता नहीं धीरे धीरे अपलोड करती रहूँगी मैं, चिंता नहीं करें। और ये पल्ले बहुत ज़्यादा डिलीशियस बनते हैं, पल्ले मतलब वड़े, दाल के वड़े। सो आज हमारा यही डिनर होने वाला है, प्यारे प्यारी पल्ला चाट। Never thought that this would hit me so quick and hard. I never thought I'd flip, I never thought I'd miss your heart. But this turn to shit that we can't fix in the girl. Yeah. And everybody keeping to themselves. I know you're sorry. You dragged me through hell. This was real. Can you tell me what you felt? 'Cause it feels like it's over now. There's just too much. दोस्तों जो समय हुआ है अराउंड 6 o'clock, और हस्बैंड आज अपने किसी दोस्त के साथ बाहर गए थे, और आते समय वो हमारे लिए हमारा फेवरेट अफगानी मील लेके आने वाले हैं। और उनके पीछे से मैंने कोशिश की मेरा आज कंटेंट शूट करने की, पर हस्बैंड है एंड पर नहीं हो पाया, हिम्मत डोर खोलने के लिए गया है। एंड अब मैं एडिट कर रही हूँ आज का व्लॉग, जिसमें मैंने मेरे हस्बैंड की ग्लैमरस मेकअप की रिएक्शन ली है। Welcome home, sweetie pie. I got jalebiyan for you today. Why? Jalebiyan, besan, maal pure, balu shaiyan. Okay, husband घर आ चुके हैं, तो काफी सारी फालतू ग्रोसरी आइटम लेके आए हैं। उनको कहा गया है स्ट्रिक्टली कि तू ये ग्रोसरी शॉपिंग नहीं करनी, पर नहीं वो बाज नहीं आने। आ सारी चीजों के दोस्तों हस्बैंड शकीन है, मटरियां मुटरियां एवरीथिंग, मूलियां लेके आए हैं, दैट्स गुड, बट आई रियली डोंट वांट टू सर्व मूली। सो ये है लफाफा हमारे डिलीशियस मील का, हम एक्साइटेड हैं खाने के लिए, मैं और मीमी। सो अब मैं करने वाली हूँ अनपैक ये डिलीशियस टेक आउट फूड जो कि अफगानी मील है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ओके, ये वाला वो चिकन है जो मैं खा सकती हूँ, ये चिकन ब्रेस्ट है लाइक टिक्का है, सो यही मैं खा सकती हूँ, और कुछ नहीं खा सकती हूँ मैं। सो अब मैं मज़े लेके ये मील खाने वाली हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड हिम्मत के लिए सर्व किया जाएगा, हिम्मत को भी ये मील बहुत अच्छा लगता है। एंड आज हमारा ये डिनर होने वाला है। ओके, सो मैं सारा अपना मील इसमें डाल के लेके आई हूँ, और
शेयर कर दूँ मैं, डोंट वरी मैं सारा नहीं खाने वाली। ऑल राइट, आज पति की फरमाइश थी हाका खाने की और आज हम हाका चाइनीज़ बना रहे हैं। उसके लिए मैं नूडल्स बना रही हूँ। एक्चुअली हस्बैंड मदद कर रहे हैं नूडल्स की, इसकी रेसिपी भी आ जाएगी। अगर आप रेसिपी इसके बारे में पूछना चाहते हैं तो आ जाएंगी। सो आज हमने बनाए हैं नूडल्स और मैंने वेजिटेरियन मंचूरियन भी बनाया था एंड आज हम यही खाने वाले हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आप वो ऐसा फूड खाते हैं और आप पतले कैसे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हम पोर्शन कंट्रोल करके खाते हैं। मैं बहुत छोटे छोटे पोर्शन ही खाते हैं और मेरा पेट तो वैसे भी बहुत जल्दी भर जाता है। सो जो भी मैं आपके साथ प्लेट शेयर करती हूँ मोस्टली वो मेरे पति की होती है, तो मेरी प्लेट ज़्यादातर नन्ही होती है। अगर मुझे दोबारा से भूख लगे मैं और ले लेती हूँ, पर पहली बार मैं प्लेट को दबा भरती नहीं हूँ। सो पोर्शन कंट्रोल करके खाती हूँ मैं। Back in the time, yeah, back in the time when you and I were something. It was back in the time, oh yeah. You know that I tried, yeah, I really tried. Oh, you gave me that. सो अब ये डिलीशियस मंचूरियन जा रहे हैं प्लेट में। ओह माय गॉड, आई एम फीलिंग हंग्री नाउ। सो ये हमारी पिद्दी हाका चाइनीज प्लेट रेडी है। बहुत अच्छा बना था मंचूरियन। आज हमारा दिन है जब हम बहुत लाइट खाने वाले हैं, दाल चावल। दाल चावल हम बहुत ज़्यादा कम खाते हैं। मैं आपको काफ़ी सारी वीडियोस में सैलड दिखाना भूल गई। सैलड मेरी हर जगह में ऐड हो जाता है, डजेंट मैटर कि कौन सा फूड खा रही हूँ मैं। अभी बड़ी सारी सैलड की प्लेट खाने वाली हूँ मैं आज, और नन्ना सा चावल एंड दाल। यस, मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा राइस खाते हैं, पर हमारे यहाँ पर राइस स्पेशली बनते हैं राजमा के साथ या कड़ी के साथ। हम लोग दाल चावल नहीं खाते हैं। अगर आप इससे रिलेट कर पाएंगे तो प्लीज़ बताना मुझे। सो दाल के साथ हमारे घर में चावल कभी नहीं बनते थे, क्योंकि हम दाल रोटी वाले बंदे हैं, दाल चावल वाले नहीं। सो या ये सिंपल मिक्स दाल बनाई है मैंने। काफ़ी सारी दालें ऐड की हैं इसमें मैंने, माँ मूँगी मोट एवरी दाल, साबुत मसर, चने की दाल, थोड़े से राजमा। अच्छी दाल बनी थी। और आज फिर से दिन आ गया है चिकन बिरयानी का, क्योंकि हिम्मत को चिकन बिरयानी अच्छी लगती है, तो फिर जब वो खुश होकर खाता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो आज भी हम क्विक चिकन बिरयानी बनाएंगे एंड सैलड एंड रायते के साथ सर्व की जाएगी। ये बहुत डिलीशियस बनती है बिरयानी गाइस, आप ज़रूर से ट्राई करना। बिरयानी बनाई है आज मैंने मेरी कुकिंग चैनल के लिए वीडियो भी शूट की है। तो सबसे पहले पत्ती को दे देते हैं, क्योंकि इसमें मैंने सैलड डाल दिया है। वैसे मैं पहले हिम्मत को देने वाली थी, बट हस्बैंड को दे दिया मैंने, नमक बिल्कुल चटनी। ऑल राइट, सो हस्बैंड कॉस्को से लेके आए थे नान, और हस्बैंड की फरमाइश आई थी न्यूट्रिएंट नान खाने की, लाइक न्यूट्रिएंट कुलचा। सो आज वही बनाई जा रही है पति की फरमाइश पे। की बनाया लाला जी तुम्हें? आज बनाया अमृतसरी न्यूट्री कुलचा। थोड़ा सा रोग ना आने दो ऊपर।
late than never. I see us spending days together, sketching pictures up and singing songs. अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं इतना खुश क्यों हूँ, वो इसलिए क्योंकि हस्बैंड डिनर कुक कर रहे हैं आज. Let's see and check husband what he is cooking. All right, दोस्तों, तो आज हम डिनर में खाने वाले हैं न्यूट्री एंड कुलचा. न्यूट्री की बहुत ज़्यादा क्विक सी रेसिपी मेरे चैनल पे है, इसी व्लॉग चैनल पे आप देख सकते हैं. इसको खाने के लिए हमने उस दिन रुमाली रोटी बनाई थी, पर आज मेरे पास बहुत ही छोटे छोटे क्यूट से नान हैं जो काइंड ऑफ कुलचे का काम करते हैं और बहुत अच्छा टेस्ट है उनका. सो उसके साथ खाएंगे आज हम. 4 बजे हैं, सो हमने सुबह से कोई मील नहीं खाया है, सो यही हमारा लंच एंड डिनर होने वाला है. तो मैं तो रेडी हूँ खाने के लिए, मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही है. हस्बैंड से पूछ लेते हैं अगर वो रेडी. हस्बैंड, यू रेडी टू ईट? कुलचे को गर्म करते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन सा कुलचा. ये है कुलचे, कॉस्को से लिए हैं हमने. ये खाएंगे हम न्यूट्री के साथ. हमें ये वाइट चने के साथ खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, छोले कुलचे. सो आज हम खा रहे हैं न्यूट्री के साथ. हस्बैंड एक वाहियात सी हस्बैंड एक आलतू फालतू सी फरमाइश लेके आए हैं. मैं पता है क्या बोल रहा हूँ, ये ऐसी फरमाइश लेके आ जाते हैं कि कर दे कोई, करो चलो आज Wishing all of these people would just head out so we can talk. I could tell by the smile when you asked where to write your name on my wall. Husband, reviews please. You like it? दोस्तों, मेरी बारी आ गई खाने की और इतनी जगह मुझे वीडियोस बनानी पड़ती है, मेरा फूड ठंडा ही हो जाता है. मैंने टिकटॉक पे शेयर किया, इंस्टाग्राम भी किया और खाते खाते लेट हो गया था. तो पहली बाइट हम देंगे प्यारे हिम्मत को. मैंने इसमें कुछ भी टेस्ट नहीं किया, सॉल्ट पेपर भी नहीं किया, सब कुछ सही है. सो पटमी मी को दे दे, टेल मी यू लाइक इट. सो अगली बाइट खाऊंगी मैं. बेटर लेट देन नेवर. यू लाइक चिकन? लास्ट टाइम आई आई गेट वन आवर लव इट. इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छा बना. आप भी जरूर से ट्राई करना. मेरे चैनल सर्च वाले साइन में जाके क्लिक करें, न्यूट्री रेसिपी आपको मिल जाएगी. फॉलो करके बनाएं, बहुत ज़्यादा आसान, बहुत क्विक है एंड मेरे साथ शेयर करें. दूसरी बात है, अगर ये सब्जी बनाते हैं आप तो ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं, उसके साथ भी बहुत अच्छी लगेगी. चिंता नहीं करें कि परफेक्शन के साथ खानी, रोटी के साथ भी खा सकते हैं. जो भी दोस्त वेजिटेरियन हैं, ये रेसिपी एक्चुअली बहुत सिमिलर है चिकन तवे के साथ. जो तवा चिकन होता है ना, ड्राई सा मज़ेदार मसालेदार, वैसा बनाइए. बिल्कुल उसको एग्जांपल करती हूँ, उससे ज़्यादा अच्छी है बल्कि. सो ज़रूर से ट्राई करें. अगर आप ट्राई करेंगे ये रेसिपी तो मुझे ज़रूर बताना, मेरे इंस्टाग्राम पे पिक्चर सेंड करना. ये रेसिपी जब मैंने शेयर की थी तो बहुत सारे दोस्तों ने मुझे पिक्चर सेंड की थी और उन्हें बहुत अच्छा लगा था. थैंक यू, मुझे आपकी पिक्चर्स देखना बहुत अच्छा लगता है. अगर आप अब ट्राई करेंगे तो ज़रूर से बताना. तो या अब बढ़ते हैं हमारे कल के डिनर की तरफ. कल क्या खाएंगे मुझे तो पता नहीं है, पर आपको पता चलने वाला है कुछ ही देर में. ओके, सो आज हमारा दिन है रॉ किस्म का खाने का एंड आज मैंने बनाए हैं चिकन टाकोस. एंड मैं चिकन नहीं खाती हूँ, ये वाला मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं सिर्फ थोड़ी सी राइस वेजीज एंड सैलड डाल के ही टाको खाऊंगी. और हस्बैंड अपना ब्यूटीफुल टाको तैयार कर रहे हैं. बहुत उम्दा किस्म का बनता है ये. इसकी रेसिपी आसान है, मुझे लगता है मैंने किसी व्लॉग में शेयर की होगी. अगर आप देखना चाहते हैं तो शौक से देखें, बहुत आसान है. 10-15 मिनट्स में ये आपका टाको स्टेशन तैयार हो जाएगा. फिर दिल भर के रज रज के खाएं और काफ़ी अच्छा लाइट किस्म का फूड होता है ये, तो आपको ऐसे फील भी नहीं होगा कि आपने ओवर ईट कर लिया है. मज़ेदार है, ज़रूर से खाएं.
बनने वाला है लज़ानिया। लज़ानिया के लिए मैं लज़ानिया की शीट्स को बॉईल कर रही हूँ एंड मैंने वेजीज को भी एक तरफ प्रिपेयर कर लिया है, जो भी मैं वेजीज डालने वाली हूँ लज़ानिया में। उसके बाद हम इन सारी चीज़ों को असेंबल कर लेंगे। लज़ानिया की कोई रेसिपी मेरे व्लॉग चैनल पे है, सर्च वाले साइन पे क्लिक करके लज़ानिया टाइप करें, आपको मिल जाएगी। सो ये है वेजिटेरियन लज़ानिया। इसमें सारी वेजिटेबल जो भी मेरी फ्रिज में अवेलेबल थी वो मैंने यूज़ कर ली। आज मेरा लज़ानिया बनाने के लिए मन तो था नहीं, पर क्या था कि फ्रिज में बहुत सारी आलतू फालतू सब्ज़ियाँ पड़ी थी, और लज़ानिया का है कि आप सारी सब्ज़ियाँ यूज़ कर लें, और मेरे पास थोड़ा चीज़ भी था तो मैंने सोचा कि यार कर ही लेने हैं। लज़ानिया की शीट्स बॉयल हो चुकी हैं, बिस्को मैं फॉयल पेपर पे निकाल रही हूँ ताकि चिपके नहीं, और वंस मेरी सब्ज़ियाँ रेडी हो जाती हैं तो मैं लूँगी लज़ानिये के लिए ये बेकिंग ट्रे, और इसमें हम सारी चीज़ों का असेंबल कर लेंगे। अगर आप देखें ध्यान से असेंबल करते हुए मुझे, तो आप देखेंगे कि मैंने चीज़ बहुत कम डाला है, क्योंकि मैं ज़्यादा चीज़ नहीं खाना चाहती हूँ। सो चीज़ मुझे लगता है मैंने सिर्फ दो लेयर्स पे ही डाला है, वैसे मैंने 5 लेयर वाला लज़ानिया बनाया है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लज़ानिया बना था, आप उसकी शक्ल देख सकते हैं कितनी क्यूट है, और लज़ानिया मेरे हस्बैंड को गार्लिक की डिपिंग के साथ अच्छा लगता है, सो यस उनको वैसे ही दिया जाएगा। सो आज अगेन से हमारा क्लिंज करने का दिन आ गया है, तो हम डिनर में खाने वाले हैं वाइट चने एंड राइस, और ये जो वाइट चने हैं बहुत ज़्यादा लाइट, बहुत ज़्यादा लाइट है, और उसके साथ जाएगा ये प्यारू सा बारीक कटा हुआ सैलड, क्योंकि सैलड आपकी किसी भी चीज़ में 4 चांद लगा देता है, आपको अच्छा है, आपका डाइजेशन अच्छा हो जाता है, और कच्ची सब्जियां खाना आपके लिए कितना अच्छा है। बहुत कम मसाले हैं इसमें, काइंड ऑफ फिक्के हैं ये बिल्कुल। सो इसको खा के आपको लगेगा कि बहुत हल्का फुल्का डिनर हुआ है आपका। ऑलराइट प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मैं मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें, यू गाइस आर ब्यूटीफुल द वे यू आर। स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग। यू गाइस कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग, ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट, टेक एक्शन, दैट्स इट, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी।